जय गुरु जी उषा आंटी। हाँ जय गुरु जी। ए, स्क्रीन नहीं, स्क्रीन ब्लॉक जी। आप बोल। जय गुरु जी। जय संगत जी। जय गुरु जी। ऑडिबल? यस यू आर ऑडिबल आशुतोष अंकल। नमस्कार जी। सबको मेरा प्रणाम। गुरु जी को शत शत प्रणाम। शुक्राना गुरु जी। बिफोर आई हैंड इट ओवर टू माय मदर मिसेस उषा कपिला, आई थॉट आई जस्ट मैं कुछ कॉन्टेक्स्ट सेट करता हूँ। कुछ प्रिलिमिनरी एक्सपीरियंसेस जो हमारे थे गुरु जी के साथ वो शेयर कर देता हूँ। यू आर मोस्ट वेलकम अंकल जी। थैंक यू जी। तो एक्चुअली आवर एसोसिएशन विद गुरुजी स्टार्टेड वे बैक इन 1979 डिसेंबर 79 व्हिच आई थिंक मेक्स अस प्रोबेबली वन ऑफ द अर्लीस्ट डेवोटीज ऑफ गुरुजी मोर देन 42 इयर्स बैक। तो वो कैसे था सब और कैसे वी ग्रू इनटू द रिलेशनशिप एंड क्या-क्या हमारे एक्सपीरियंसेस हुए वो अभी बताएंगे मेरे मदर जी। बट आई वुड जस्ट लाइक टू शेयर के अभी लास्ट वीक फ्रेश फ्रॉम द अवन इंसिडेंट लास्ट वीक मेरे डैड की यंगर ब्रदर हैं जी वर्जीनिया में यूएस में न्यूक्लियर साइंटिस्ट है वहीं रिटायर्ड होके सेटल हुए हैं। तो ही इज अबाउट 74 बट वॉज डूइंग रीजनेबली ओके एंड जस्ट 8-9 डेज बैक ही got up to take some apple juice from the fridge and started feeling very dizzy. So, ek fade out wali feeling aa rahi thi. Unki wife ne ambulance bulaya. Ambulance mein unko rakha gaya. Ambulance luckily reached in 3-4 minutes. But while he was in the ambulance, he knew that thoda he's fading out. And he started chanting Guruji ka mantra while he was fading out. The last words he was hearing the medics in the ambulance say that heart's slowing down karke wo kuch koshish mein the ke revive ho jaye but the heart stopped beating. So my chacha ji was clinically dead for 4 minutes plus. When he got to the hospital they were trying to revive him but 4 minutes mein organ damage kafi ho jata hai jab heart stops for 4 minutes. So he got revived. They don't know how. There's been no organ damage, there has been no damage to the heart. He is perfectly okay. Rehabilitation mein abhi kafi acha kar rahe hain and we know from our past experience ke guruji ne unki bilkul hi हथेली में लेके जान बचाई है। जय गुरु जी। ऐसे कई एक्सपीरियंसेस हुए हैं जी। मेरा संगत जी से यही एक कहना है कि वी फोकस अ लॉट ऑन मिरेकल्स। ऐसे मिरेकल्स होते हैं, दैट्स हाउ वी नो दैट डिवाइन प्रेजेंस उनकी है और इस तरह से मैनिफेस्ट होती है। We are very blessed to be to have interacted with him, to have sat at his feet and unke darshan hamare bahut saalon se darshan hue unke aur unki blessings they permeate our life at every corner. We have had his blessings and his protection and we feel that every day. So I think beyond miracles wo bahut ऐसी डिवाइन प्रेजेंस जो हमें समझ नहीं आ सकती यूजिंग आवर सेंसेस। वी डोंट हैव द इक्विपमेंट टू अंडरस्टैंड वो रियली क्या थे। देयर इज अ सर्टेन मिस्ट्री, देयर इज अ सर्टेन मिस्टेक अबाउट हिम और व्हाट ही रियली इज। ऑल वी नो इज कि अगर भगवान थे महेश्वर शिव जी यू कॉल इट बाय एनी नेम तो वी हैव हैड द गुड फॉर्च्यून ऑफ हैविंग गुरु जी एज आर गॉड प्रेजेंट टू ब्लेस अस एंड ही इज स्टिल देयर टू ब्लेस अस। So without further ado, Sangat ji, I will hand it over to my mother, Mrs. Usha Kapila, and she will share her experiences of how the journey was with Guruji Maharaj. Haanji, Jai Sangat ji, Jai Guruji, bahut bahut shukrana. Hum Guruji ko mile the
1979 में उनके दर्शन हुए थे, तब वो गुरुजी नहीं थे, हमारा एक एक्सीडेंट हो गया था, अंबाला से थोड़ी दूर जाके हम दिल्ली आ रहे थे, तो उस एक्सीडेंट में इट वाज अ हेड ऑन कोलिजन विद अ ट्रक, और उसमें माय हस्बैंड ब्रोक 8 ऑफ हिज रिब्स इन मल्टीपल फ्रैक्चर, हेड वाज टोन एंड लॉट ऑफ सीरियस इंजरीज। तो हम 15 दिन किसी नर्सिंग होम में थे वहीं अंबाला के पास ही, एंड आफ्टर 15 डेज व्हेन वी केम होम, वन ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ हिज डिपार्टमेंट सेड, सर इफ यू अलाउ मी आई विल सेंड यू अ बॉय who has just come back from his sadhana, and he has some miraculous powers, he can heal you. So, इन्होंने कहा जरूर भेजिए. So, ये तो इतने बुरी हालत में थे, तो ये तो बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे. तो मैं नीचे गई, देखा मैंने, हम चंडीगढ़ रहते थे 5 सेक्टर में, मैं नीचे गई तो मैंने देखा घंटी बजी तो एक लड़का खड़ा है ट्राउजर्स में, बुशर्ट में और शूज, फ्री शूज डाल के. मैंने अजीब से, मैंने कहा आप कौन है, किससे मिलना है? तो ही सेज मेरा नाम है निर्मल सिंह और मैं कपिला साहब को मिलने आया हूँ. मैंने कहा ठीक है, मैंने को आवाज दी, मैंने कहा निर्मल सिंह आया है, कोई नाम है उनका, आप आइए नीचे. ये आगे गेस्ट रूम में आके लेट गए, तो उन्होंने कहा कि आप अपने कपड़े उतारिए, शर्ट वगैरह, मैं देखूँ कहाँ कहाँ आपकी इंजरीज थी. तो उन्होंने हाथ वाथ फेरा, मालिश वालिश करते थे इसके बेड पर बैठ के, और कई दफा तेल वगैरह लगाते थे, हालांकि इंजरीज इतनी फ्रेश थी कि कोई भी शायद उसको हाथ नहीं लगा सकता था, सारी चर्बी शेयरिंग वेंट इनटू हिज रिब्स. तो उन्होंने 2 दिन के बाद मुझे कहा, उषा आंटी कल उड़द की दाल की रोटी बनाना. तो मैं रोटी बना के ले गई वहां पर, उन्होंने कहा कि मैं सेक करूंगा इनके चेस्ट पर. तो मैं रोटी बना के ले गई, तो उन्होंने रोटी उठाई और उनके चेस्ट पर रख दी. मैं यूं थाली लेके खड़ी थी और थाली में पूजा मिश्री होती है जी, गोल गोल कटोरी जैसे, उसका ढेर लग गया. मैं इतनी दूर खड़ी थी और वो वहां बैठे थे दूर करके, मैं इतनी हैरान हो गई, मैंने ये चीज नहीं देखी. इनफैक्ट वी आर द प्रोडक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, तो हम लोग मिरेकल्स में ये चीजें सब बिलीव नहीं करते थे. एंड आई ऑलवेज थॉट दिस इज सम इल्यूजनिस्ट और सम काइंड ऑफ अ मैजिक शो और समथिंग लाइक दैट. तो वो समझ के मैंने इतना मैं डर गई दैट आई वेंट across the kitchen and I threw it in the dustbin. अब देखिए यहाँ से शुरू होता है सारा. फिर आए वो, उन्होंने आते रहे, एक महीना आते रहे, इनकी मसाज करते रहे, इनको हील करते रहे. और जिन डॉक्टरों ने कहा था कि ये 6-7 महीने इनको ब्रीदिंग भी नहीं ठीक से होगी, पेन भी बैक में होगी सारी बॉडी में, क्योंकि बहुत चोटें बहुत ज्यादा लगी हैं. आप हैरान होंगे कि गुरु जी के आने से 7वें दिन ये दफ्तर चले गए और कभी इन्होंने पेन की कंप्लेन ही नहीं की. जो डॉक्टरों के बस की बात नहीं थी वो इन्होंने करके दिखा दी गुरुजी ने, तब भी हम पर ये चीज डॉन नहीं करी कि इन्होंने कुछ किया है. अब बात सारी ये है कि अगर ही डिड नॉट वांट टू रिवील हिज डिविनिटी टू अस, वी कुड नॉट नो अबाउट इट, एंड आई जस्ट थॉट इट जस्ट अ फ्लूक. फिर आए एक दिन, जब थोड़े थोड़े ये ठीक हो गए, तो हम लोग ड्रॉइंग रूम में बैठे थे सब, तो गुरुजी भी बैठे थे वहीं, खाते पीते कुछ नहीं थे. मैंने बहुत बार कहा गुरुजी हम वेजिटेरियन हैं, हमारे घर में कुछ नहीं होता, आप चाय पानी कुछ तो लीजिए, वी फील वेरी बैड, आप इतना मेहनत करते हैं और कुछ नहीं पी, पानी तक नहीं पीते. खैर हंस देते थे, ही यूज्ड टू ऑलवेज हैव अ स्माइल ऑन हिज फेस, इट्स सो वंडरफुल. तो वो ड्राइंग रूम में बैठे बैठे हम सब उनकी तरफ देख रहे थे, उन्होंने ऐसे हाथ किए तो मेरे सीलिंग में से नोट बरसने शुरू हो गए. अब इतने नोट सारा कमरा भर गया. मैंने कहा हे भगवान, मैं डर गई, मैं कमरे से बाहर गई जा रही थी. तो गुरुजी कहने लगे उषा आंटी बैठ जा, मैं बैठ गई. कहने लगे सारे नोट इकट्ठे कर ले. मैं कहा मैनू नहीं चाहिए नोट, मैनू आई डोंट नीड देम. तो उन्होंने कहा नहीं अच्छा इकट्ठे कर. तो मैंने उनके कहना मान के सारे इकट्ठे किए, 2-2 रुपए की डिनोमिनेशन के थे, इकट्ठे करके इतना सा बंडल बन गया. तो वो मैंने उनको दिया, लीजिए गुरुजी. वो कहने लगे नहीं ये अपने खजाने में रख दे, तेरा खजाना कभी खाली नहीं होगा. जय गुरुजी, जय गुरुजी. बस ऐसे ही चलता रहा कुछ दिन, तो ये बिल्कुल ठीक हो गए. एंड आई नेवर सेड कि आई एम ग्रेटफुल टू यू या थैंक यू निर्मल सिंह. हम तब तक हमें नहीं पता था ये कौन है. इस तरह ये अपने चले. एक फिर आए एक दिन जब फाइनल गुड बाय थी ट्रीटमेंट की, आए तो एक साड़ी लेके आए, बड़ी सुंदर साड़ी जॉर्जेट की. मैंने कहा गुरुजी, मैंने कहा निर्मल सिंह मेरे पास बहुत साड़ी है,
मैं क्या करूंगी साड़ी को, मैं नहीं पहनती ऐसी साड़ी, मैंने बड़ा रिजेक्ट किया, आई ट्राई टू यू नो मैंने नहीं लेनी, मैंने बहुत रिफ्यूज किया, बट देन ही थर्स्टेड ऑन मी, ही सेज नहीं तो रख ले, मैंने रख ली, मैंने कहा चलो अब इतना कह ही रहे हैं तो रख लेती हूँ, ये कोई आदमी अजीब सा है क्या करूं, सो एनी वे ही केम अक्रॉस एज अ वेरी आई मीन मिस्टीरियस काइंड ऑफ अ पर्सन, ये था, वी कुड नॉट अंडरस्टैंड एंड ही डिड नॉट रिवील हिज डिविनिटी टू अस, बट एनी आई थॉट इट वॉज जस्ट अ मैजिक शो, इट वॉज जस्ट वन ऑफ दोज इल्यूजनिस्ट हू इज ट्राइंग टू डू ऑल दिस ट्रिक्स, एंड दिस नेवर अकर्ड टू मी दैट there was any religiosity in it or any such spiritual thing in it. So this is how we said goodbye to him. And I never asked for his telephone number. I never even thanked him. Just look at us. How foolish it sounds now when I tell you. That time I was only 40 years old. And I never thought much of these kind of things. And I did not believe in it also. So ek din hum goodbye ho gayi. Humne unka number nahi liya, unka pata nahi pucha, paise wo lete nahi the. और वो चले गए गुड बाय करके, एंड वी मेट अ बॉय कॉल्ड निर्मल सिंह, ही हील्ड माय हस्बैंड एंड वेंट अवे, एंड देन वी केम टू माय हस्बैंड, वी केम एज सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिकॉज देन इन 83, सो वी वर लिविंग इन शाहजहां रोड समवेयर एंड इन इन वन ऑफ दोस हाउसेस देयर, तो एक दिन आ गए अचानक घर पर आए कॉन्टेसा गाड़ी में और मुझे कहते हैं ये देख गाड़ी है मेरी, मुझे एक मंत्री ने दी है, और उसी तरह ही उसी रूप में आए, उसी तरह ही आए, सिर पे बाल भी थे एक लड़के की तरह स्माइलिंग, और आके खड़े हो गए और कहने लगे कि कपिला साहब कितने हैं, मैं कहूँ ऑफिस है गए, तो कहने लगे ठीक है, मैंने उनको कुर्सी नहीं ऑफर की, मैंने कहा अरे और कुछ बरसा देंगे तो मैं तो डर के मर जाऊंगी यहाँ पर, मैं तो बहुत डरती थी मिरेकल से, इन चीजों से, मैंने कहा यहाँ तो कोई भी नहीं है और मैं अकेली हूँ, ये फिर बरसा दें कोई चीज, फिर कुछ और मिरेकल कर दें, आई वॉज स्केर्ड, तो मैंने उनको ये भी नहीं कहा गुरु आप निर्मल बैठ जाओ, निर्मल सिंह आप बैठो चाय पियो, ये देखिए मेरी हालत, तो खैर वो कहने लगे अच्छा ठीक है फिर मैं भी चलता हूँ, मैंने नहीं कहा बैठो, फिर उन्होंने कहा अच्छा हाथ कर, मैंने यूं हाथ किए बुक कर, उन्होंने जी इतना धुआं निकलता हुआ देसी घी का हलवा मेरे हाथ में बुक मेरी भर दी, और वहां सारा पता नहीं ड्रॉइंग रूम तो मेरा था, खड़े थे कोई चीज नहीं थी कुछ नहीं थी, फ्रॉम द एटमोसफेयर ही प्रोड्यूस सच नाइस स्मेलिंग एंड वंडरफुल वेरी टेस्टी हलवा प्रसाद इन माई हैंड्स, तो मैंने और मेरे बेटे ने बांट के खा लिया, कहते खा लिया, खा लिया, आई वॉज इन टू माइंड वेदर टू ईट इट और नॉट, बट स्टिल ही सेड सो एंड इट साउंडेड वेरी जेन्युइन, उसके बाद भी नहीं मैंने उनसे पूछा कि आप दिल्ली कैसे आए, कहाँ रहते हो, क्यों आए, आपका नंबर दे दो कभी फोन करेंगे कपिला साहब, ना वो भी नहीं, देखिए ये होता है वक्त होता है हर चीज का, बिना वक्त के कुछ नहीं मिला, भगवान दर्शन नहीं देते, तो हम आके आफ्टर ही रिटायर्ड हम गुड़गावा में आके सेटल हो गए इन आर ओन प्राइवेट हाउस जहां आप रह रहे हैं, तो एक दिन कोई आईजी पंजाब का था वो आया इनके पास, दो जने आए और कहने लगे आपको मेरे गुरुजी याद कर रहे हैं कपिला साहब, इन्होंने कहा कि अच्छा ये कौन है आपके गुरुजी, कहने लगे कि वो बुला गुरुजी हम उनको कहते हैं, हमें नहीं पता उनका नाम क्या है, तो आपको वो याद करे थे, आप आइए फलां जगह एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में है सत्संग होता है तो आप आइए, हमने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है कोई याद करे गुरु, और वो भी हमने 7-5 बजे हम चले गए वहां गुरुजी बैठे थे, नाउ इट वाज द न्यू अवतार ऑफ गुरुजी, इट वाज नॉट द सेम मैन, इट वाज नॉट द सेम लुकिंग पर्सन, ही वाज सिटिंग ऑन हिज थ्रोन विद ऑल रिगेलिया ब्यूटीफुल शाइनिंग क्लोथ्स, और मैं तो पहचानी, देयर वर नो हेयर ऑन हिज हेड, एंड व्हेन आई एंटर्ड ही स्माइल्ड एंड ही सेड हैरान हो गए ना, आई सेड बिल्कुल, so then of course I recognized that he is the same man we called Nirmal Singh, now he was called Guruji, so we also started calling him Guruji, and he says tusi roz aaya karo langar khaya karo satsang aaya karo, so can you believe he used to drive every day, sit in the satsang, come back late at night about 1 o'clock 2 o'clock, and we just forgot that we have a house to go to, aur hamara koi ghar hai hum jana chahiye, andhera hai, उस वक्त ये सड़क भी ठीक नहीं थी, इट वॉज डेंजरस, गुड़गावा गली रोड वहां से कुतुब मीनार की तरफ से, पर खैर हमने कहा चलो प्रोटेक्ट कर रहे हैं गुरुजी के साथ, कुछ एक तरह से बैठा इक्वेशन, हम रोज जाते रहे, कई कई कुछ हुआ वहां पर, गुरुजी लंगर खिलाते थे, सत्संग सुनते थे हम, कई दफा गुरुजी
हम लेट हो जाते थे, 1 बजे तक हम उठते नहीं थे जब तक गुरु जी आज्ञा ना दे। 1:30 बज गया एक बारी, तो कहने लगे उषा आंटी ली दूध ले आओ गर्म गर्म। उनके कुछ सेवक बहुत थे वहां पर, वो दूध लाए, फिर कहने लगे हलवा लाओ। फिर हलवा भी ले आए, वो हलवा खाया, कटोरियों में सबके हलवा था। मैं जमीन पर बैठती थी पीछे पीठ लगा के, मेरी हिप जॉइंट थोड़ी प्रॉब्लम थी तो मैं दूसरी तरह बैठ नहीं सकती थी। तो गुरुजी ने मेरे पास तकिया पीछे लगा के वो भी आके मेरे साथ बैठ गए। मुझे बड़ा अजीब लगा, उनके हाथ में भी एक कटोरी थी हलवे की और मेरे हाथ में भी एक कटोरी थी। वो अपने कटोरी से हलवा मेरी कटोरी में डालते गए। आई फेल वेरी ब्लेस्ड कि दिस इज टू मच, और ये तो मेरे कर्म बहुत अच्छे हैं, बिकॉज देन आई स्टार्टेड रिगार्डिंग विद डिविनिटी। सो आई फेल्ट कि दिस वाज़ द प्रोग्रेस ऑन माय स्पिरिचुअल पाथ एंड दिस इज व्हाट इज मेंट फॉर। और बड़ी बात ये थी कि वो कभी भी किसी भी चीज को ये नहीं कहते थे कि ये जरूरी करना, सीधे बैठो, उल्टे बैठो, ये पहनो, वो पहनो, पत्थर पहनो, कुछ नहीं कहते थे। ही वॉज वेरी अहेड ऑफ हिज टाइम एंड दैट इज वाई वी पीपल कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम। ही वॉज अ डिविनिटी एंड वी वर ऑर्डिनरी पीपल। देखिये, एक आदमी जो पूरा होता है, कंप्लीट होता है, हम अधूरे आदमी उसको समझ नहीं सकते। और गुरु जी के बारे में कुछ भी कहना कि वो ये थे, वो थे, वो मेरे ख्याल में मैं नहीं कर सकती। मैं तो अपना सिर्फ जो इवेंट्स हुए उनके साथ में वही बता सकती हूँ ऑनेस्टली। और एक बारी सत्संग के बाद हम उठ के बाहर आए तो गुरु जी पीछे आए, कहने लगे मेरी गड्डी च बैठ जाओ तुसी, कपला साहब, कपला अंकल, गड्डी च बह जाओ, तो उषा आंटी तू भी बैठ जाओ उत्थे। मैं क्या पता नहीं क्यों कह रहे, 1 बजे का टाइम है, इतना लेट हो गया, हम तो घर जाना है गुड़गांव, 35 किलोमीटर है। खैर, इन्होंने कहा मेरे पास गाड़ी है। इन्होंने कहा नहीं, मेरी गड्डी से बैठो, तुसी अंकल अगे बैठो, मैं आंटी ना पीछे बैठांगा। हम बैठ गए, कहते चलो मैं तुम्हें छतरपुर लेके जाना, बड़े मंदिर। छतरपुर चले गए, रात के टाइम ड्राइव करते हुए, वहां पर एक बिल्कुल अंधेरा सा था, अभी बन रहा था छतरपुर मंदिर, मगर उसकी बिल्डिंग के ढांचा बन चुका था। तो बाहर लॉन में हम बैठे, वहां एक खाट मंगवाई गई जिसमें गुरु जी बैठे। देखिए कितने सादे आदमी थे, कोई दरी नहीं, कोई गद्दा नहीं, खाली वो जो होती है ना चुभने वाली एक रस्सी, उसके चारपाई पे बैठे। हम लोग जमीन पर बैठ गए और कुछ ना हम कुछ बोले। अजीब बात तो ये थी कि ना वो कुछ बोले, ना हम कुछ बोले, ना वो कुछ पूछे, ना हमने कुछ उनसे जवाब दिया। 1 घंटा हुआ, हमने कहा ये हो क्या रहा है। फिर 1 घंटे बाद किसी को कहते चाय बनाओ, बताइए आउट ऑफ नोवेयर चाय आ गई। हमने चाय पी, फिर बैठ गए, कुछ ना वो कोई बोले, और 1.5 घंटा हम चुपचाप बैठे रहे। हमें तो अजीब सा लगता था, हमारा माइंड जो था ना वो एकदम नंब हो जाता था टू एनी थॉट अदर देन गुरु जी। तो 1.5 घंटे के बाद कहते चलो चलिए, फिर हम आगे वहीं छोड़ दिया उन्होंने अपने, वहां जहाँ सत्संग होता था। हम अपनी गाड़ी पकड़ी घर आ गए, 3 बज गए सुबह हम घर पहुंचे। इतनी ये एक्सपीरियंसेस जो थे ना आम नहीं थे, इसका कोई पर्पस था जो हमें पता नहीं लगा। कोई कर्म हमारे पिछले काट रहे होंगे, कुछ तो कर ही रहे होंगे, आफ्टर ऑल ही हिज टाइम वाज वेरी वेरी प्रेशियस। और उनके साथ कई और, एक बारी कुछ दो हम लोग बैठे हुए थे सत्संग में, 2 लेडीज आई, उनको कहने लगे वो बंदा जड़ा बैठे है ना मेरे हस्बैंड की तरफ देख के, ओदे तो सिखो जिंदगी किस तरह जीनी चाहिए। ए ना ऑनेस्ट आदमी है, देखो सिवाय तनख्वाह दे कुछ नहीं, और दबंग आदमी, डरता किसी तो नहीं। और दैट टाइम वो लड़कियां भागी भागी आई, अंकल 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 गुरु जी आपकी तारीफ कर रहे हैं बहुत, वो ये कह रहे थे, तभी हमें पता लगा। तो ये हंसने लगे क्योंकि वो भाग भाग के आके इनको बड़ी एक्साइटेड थी और बहुत मतलब पैशनेटली बताने लगी। तो बस इस तरह के कुछ, गुरुजी थॉट वेरी हाईली ऑफ हिम, उससे ये तो मुझे पता लग गया, बिकॉज आई थिंक थोड़ा से कर्म कांडी भी थे। सुबह 4 घंटे रुद्राभिषेक करके दफ्तर जाते थे, हालांकि टाइम बहुत कम होता था, 3-4 बजे उठते थे ठंडे पानी से नहा के। ही वॉज अ शैवाइट, दीक्षा जो उन्होंने दी हुई थी बहुत पहले 1970 में, और ये सुबह ही वॉज अ स्कॉलर ऑफ संस्कृत एंड इंग्लिश, और संस्कृत में सारा रुद्राभिषेक 4 घंटे करते थे, और करने के बाद दफ्तर जाते थे चाहे कुछ ही हो जाए। तो उसके बाद गुरुजी ये सारी चीजें जानी जानते, उनको सब पता होता था कि कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है। वो तो
एक्सरे थी उनकी आईज में, यू न्यू एवरीथिंग इनसाइड, एवरीबॉडी इनसाइड आउट। सो एक बारी हमारी लड़की जो थी वो पीएचडी उसने कॉर्नेल से की, तो उसके बाद शी वाज ऑन द जॉब मार्केट, तो हम बड़े वरिड थे। मैंने कहा इसकी फोन ही नहीं आ रही, शी वाज ऑन द मूव एंड शी नॉर्मली शी यूज टू कॉल अस एटलीस्ट वंस अ वीक, बट देन देयर वाज नो टेलीफोन नथिंग एंड वी वर वेरी वरिड, बट वी डिड नॉट टॉक टू गुरुजी अबाउट इट। सो वी वर शॉपिंग अराउंड इन द लोकल मार्केट फॉर समथिंग एंड वी गॉट अ मैसेज ऑन द फोन के गुरुजी आपको बुला रहे हैं। इट वॉज द टाइम वॉज 8 o'clock एट नाइट, नाउ लुक एट दैट एंड हॉट समर नाइट। हमने कहा अच्छा चलो, हम वापस आ गए घर, नहाए धोए पहुंच गए कमरे में, बैठे थे गुरुजी अपने। हम जब पहुंचे वहां पर, हम नॉर्मली अपना फोन जो था ना सत्संग में हमें ऑफ करने को कहा जाता था, स्विच ऑफ करते थे फोन, उस दिन इनकी जेब में रह गया क्योंकि सत्संग में नहीं जा रहे थे हम, गुरुजी को मिलने जा रहे थे। तो इतने में जो ही उन्होंने पैर रखा कमरे में, घंटी बजी फोन की, तो गुरुजी कहते ना ए लो जी आ गया जय शुचि दा फोन। नाउ लुक एट दैट, हाई वी डिड नॉट टेल हिम दैट यू आर वरीड अबाउट हिम। तो वो जानी जानते और सब कुछ उनको पता होता था हमारे दिल में दिमाग में क्या चल रहा है उस वक्त। ये मुझे तो कई चीजों से पता लग रहा था उनकी, और कई दफा हैंडशेक करते थे, मैं पाँव को छूने जाती थी तो हाथ हैंडशेक करते थे, उनकी विचित्र सी उनकी सारी जितनी भी घटनाएं थी हमारे साथ। और जब वो बैठे होते थे वहां पर कैबिनेट पर दूसरे कपड़ों में बुशर्ट पैंट में, तो लाइक एन ऑर्डिनरी पर्सन, तो कुछ हंस खेल के बातें भी कर लेते थे, लाइट काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन, एंड अच्छा लगता था। वी फाउंड हिम अ फ्रेंड इन हिम एंड नॉट स्टिल नॉट अ गुरु और समथिंग, जस्ट लुक एट दैट। और धीरे 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 एक बारी वो मेरी डॉटर आई थी अमेरिका से, तो सत्संग पर हम सारे गए थे, तो कहने लगे शुचि तू चल मेरे नाल कल चंडीगढ़। तो शी स्टार्टेड लुकिंग एट मी कि मैं कैसे जाऊं गुरु जी के साथ अकेले। मैं इतने में उन्होंने कहा, मेरे बेटे को बोला चल तू भी चल। तो ये दोनों गुरु जी सुबह 4-5 बजे इनको पिक करने आए, पिक करके इनको ले गए चंडीगढ़, और वहां इन्होंने कोई शादी वादी भी थी शायद वो भी दिखाई, खिलाया पिलाया इनको, बहुत मौज मेला किया, वापस आके छोड़ गए इनको घर, और बच्चों को साथ रखा उन्होंने दोनों को। देखिए क्या भाग्य है, कितनी अच्छी किस्मत है कि इतना करीब से भी किसी के जाना ऐसे आदमी के, वो भी कलयुग में, मैं सोचती बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे कुछ एक दो और किस्से इस तरह के हुए। जब उन्होंने कहा एक बात, जो उन्होंने कहा कि कपिला साहब की उम्र जो है वो मैं ही देती है, ही हैज नो लाइफ बिकॉज ही वॉज सफरिंग फ्रॉम माइलोमा, विच इज अ काइंड ऑफ बोन कैंसर फॉर विच देर इज नो ट्रीटमेंट। फॉर 4 years ही सफर्ड एंड ही यूज्ड टू गेट ट्रांसफ्यूजन एंड ऑल दैट, पर गुरु जी ने कहा इना दी लाइफ है नहीं, 3 साल हो रह गए वो मैं दे दे दे। तो एंड दिस इज राइट, आई हैव एविडेंस टू से दैट ही हैड टू पास अवे एट 72, बट ही पास्ड अवे एट 75, बट गुरु जी प्रिपेयर्ड मी। बट ये मैं कह सकती हूँ, इनको गुजरे 12 साल हो गए हैं अंकल को, मगर मुझे किसी चीज की कमी नहीं, किसी चीज की तंगी नहीं। और सिंस ही वॉज ओनली, वी वर लिविंग ओनली ऑन द आर इनकम ऑन पेंशन, आई लिव लाइक एम्प्रेस। मुझे तो कभी ये नहीं लगा कि मुझे पैसे चाहिए या मुझे पास कमी है कोई चीज की, नेवर। उनका एक ऐसा जादू था, शायद वो जब मैंने रखे थे उस वक्त समझ नहीं सकी थी वो नोट, अब मुझे समझ आ रही, अभी भी है मेरे पास, ब्रांड न्यू लगते हैं बिल्कुल। उन्होंने जो वो कहा कि खजाने में रख दे, तेरा खजाना कभी खाली नहीं होगा, वो चीज में कुछ सच्चाई दिखी मुझे। मैंने कहा नहीं, गुरु जी का कथन कभी फालतू नहीं जाता, वो जो बात कहते हैं देर में समझ आती है मगर आती है। और उन्होंने मेरी बहुत सहायता की है, उनकी बड़ी कृपा है मेरे सिर पर, बहुत आशीर्वाद है। और 12 साल में मैं बिल्कुल हेल्दी रही, ठीक रही। नाउ आई एम 82 years, आई एम 81 years ओल्ड एंड आई एम स्टिल फाइन एंड नाउ आई एम कट ऑफ, आई फील कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड एंड आई एम टूवर्ड्स मोर ऑफ टूवर्ड्स रिलीजन एंड आई एम हैप्पी एंड कंटेंटेड एंड वेरी पीसफुल। और आई नेवर फील लोनली इन द, आई फील गुरु इज हियर एंड बिफोर आई डोज ऑफ गुरु इज ऑलवेज देयर विद मी, आई नेवर फील लोनली और स्केयर्ड। तो चारों तरफ उनके हैं, मेरे पास तस्वीरें भी हैं उनकी, और उनका स्वरूप को देख के ही मैं सोती हूँ और भजन करके सोती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जय गुरु जी, मैं और ज्यादा क्या कहूँ गुरु जी के पास तो जाते थे रोज, और कुछ ना कुछ नई बातें रोज करते थे वो,
और बहुत प्रेम दिया उन्होंने, हम लोगों को बहुत प्यार किया, बहुत करीब, हम करीब थे उनके इस तरह सभी सोचते हैं, मगर जितना उन्होंने हम मुझे कॉन्फिडेंस दिया जीने का और इतना पीसफुल लाइफ दी, वो सब गुरुजी की कृपा थी, हम पर कृपा है और आशा है बनी भी रहेगी। और गुरुजी कहीं गए नहीं है, गुरुजी संसार में ही है, इधर ही है, हम देख नहीं पा रहे उनको, मगर उनकी आत्मा बिल्कुल इधर है और इसका एहसास होता है, कहने की बात ही नहीं है। तो ठीक है जी, जय संगत जी, जय गुरु जी, थैंक यू। जय गुरु जी। उषा आंटी, अभी अभी गुरु परिवार का मन नहीं भरा है, प्लीज 10 मिनट तक, और प्लीज 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट। बस क्या वो ऐसे ही था, बहुत मतलब यही कहते थे वो, कभी उन्होंने ये नहीं कहा इस तरह के कपड़े पहनो, इस तरह के जूते पहनो, इस तरह का प्रेजेंस हो आपकी, कोई भी उनको, वो कहते थे भजन करो, जप करो, और इस संसार में कुछ है नहीं, और कलयुग में ना तो किसी के पास टाइम है बड़े बड़े भंडारे करने का, सत्संग वो पूजा पाठ हवन करने का, ना ही किसी के पास सारा वक्त, आधी उम्र निकल जाती है अपना धन उपार्जन के लिए। तो वो कहते थे सबसे आसान है कीर्तन, सत्संग सुनो, सत्संग करो और जप करो, ये चीजें उन्होंने कही थी। और उन्होंने जितनी भी फजूल हिंदुइज्म की चीजें थी निकाल के एक तरफ फेंक दी, जो कि एंशियंट रिलीजन में थी हमारे। आई एम अ हिंदू, आई एम अ वेरी डिवोट हिंदू, आई एम अ ब्राह्मण, बट स्टिल आई फील कि जो उन्होंने धर्म को और कर्म को और कर्म कांड को इस स्लेवरी से छुड़ा दिया, इस मुसीबत से छुड़ा दिया कि ये पहनो वो पहनो सज्जे पाओ खबे पाओ, नो, ही सेज नहीं, यू शुड थिंक अबाउट गॉड एंड यू शुड प्रे एंड यू शुड ऑलवेज जप करते रहो, भजन करते रहो, परमात्मा आपके साथ है। और मुझे तो उनकी स्माइल कभी नहीं भूलती, एवरी टाइम आई एक्सटेंडेड माई हैंड ही वुड होल्ड माई हैंड एंड शेक हैंड विद मी, आई यूज्ड टू फील वेरी इंपॉर्टेंट कि ये मेरा हाथ पकड़ते तो बहुत अच्छा है, स्माइल देते थे जब भी आते थे, और हमें 2-2 बजे तक जो नहीं आज्ञा देते थे जाने की, तो हम भी आराम से बैठे रहते थे। और कपिला साहब को तो वह बहुत ही आनंद आता था, वो कहते थे कितनी पवित्र यहाँ एटमोसफेयर है, कितना शुद्ध एटमोसफेयर है, और सत्संग होता है, इतना अच्छे भजन सुनते हैं, क्या और चाहिए हमें। तो बस इसी तरह ही हमारा उनके साथ काफी साल, काफी देर हम जाते रहे, सत्संग में बैठे रहे, मगर हमने ये कभी उनसे कहा नहीं कि ये कर दो या वो कर दो, जानी जानते उनको सब पता था, हमने क्या कहना था उनको, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, मैंने इनकी हेल्थ के लिए भी नहीं कुछ कहा, उनको सब मालूम था, उन्होंने जब कह ही दिया ये तो क्या पूछना था उनसे, उनको हमारे आगा पीछा सब मालूम है, हमारे फ्यूचर क्या है, पास्ट क्या था, ही नोज एवरीथिंग। और इस चीज को वो बहुत वैल्यू करते थे कि हमारा जैसे ये थे, यू सी ऑल हिज लाइफ ही नेवर हैड एनी ग्रीड फॉर मनी और स्टेटस और पोजिशन और कोई भी नहीं, इनको ही वो इतने वैरागी थे, एक तरह से वैराग्य था इनको बहुत, ही सेज कि नहीं दिस इज माई ड्यूटी और ये मुझे करनी है एंड नथिंग एल्स। और डरते किसी से नहीं थे, जो फाइल पर ही अपने दस्तखत करते थे, चाहे किसी के ऑर्डर्स हो, अपना जो कहना होता था कह डालते थे। सो ही वॉज वन ऑफ दोज पीपल क्लीन एंड आई एम वेरी प्राउड टू हैव बीन इन अ फैमिली वेयर देर इज सच अ नाइस एटमोसफेयर, देर इज नो करप्शन, देर इज नो हाई हाई जैसे लोग करते हैं, इतने कोई शांति नहीं है लोगों में कुछ है। तो ये मैं जरूर सोचती हूँ कि बहुत अच्छा भाग्य था मेरा कि मुझे अच्छे जैसे गुरु जी के दर्शन होना, मैंने तो कुछ नहीं कमाई की जिस वजह से मुझे गुरु जी के दर्शन हो, और मैं तो इनको गुरु जी भी नहीं समझती थी जब आते थे और हमने फोन नंबर तक नहीं लिया, और क्या क्या उन्होंने हमें इशारे दिए, क्या क्या उन्होंने संकेत किए, अरे भाई समझ जाओ अभी मैं कौन हूँ, पर उन्होंने देखा होगा कि हम भी बड़े कड़े आदमी हैं, फिर अल्टीमेटली हमें झुकना ही पड़ा, मानना पड़ा, और हम मान गए उनको कि वो बड़े भगवान थे, शिव जी का रूप थे, और वो हमें महसूस होने लगा था। बाकी क्या कहे जी संगत को, और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती, उन्हें बहुत प्यार था, बहुत दया थी और बहुत कृपा उन्होंने लोगों पे बरसाई, और ही हम उनको नहीं समझ सकते थे, वो बहुत एक मनुष्य चोले में थे और हम उनको मनुष्य की लिमिटेशंस में देखना चाहते थे, पर ही वॉज बियॉन्ड इट। और उन्होंने जो ये रीति रिवाज और ये जो करा, जो कार्यक्रम और ये जो करा हिंदू लोग करते हैं ना, यहाँ ये मौली पहनो तो यहाँ रिंग पहनो तो ये नग पहनो तो वो नग, वो उन्होंने छुड़ा दिया सबका, कम से कम
ये चीज बहुत बड़ी उन्होंने इस तरह के जो उन्होंने महसूस करवाया सबको कि चुपचाप सिंपल लाइफ लीड करो, किसी का भला करो, और ये है कि लोगों को जो बांटो, अपना अपने पास धन इकट्ठा करने से कुछ नहीं बनेगा, बांटो दो और लोगों की मदद करो, ये चीज उन्होंने बताई। मैं सोचती हूँ दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन अकॉर्डिंग टू सिखिज्म एंड हिंदुइज्म एंड ऑल द वर्ल्ड रिलीजन आई सपोज, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम फॉर लीडिंग अस ऑन टू दिस पाथ, एंड इसी के साथ ही मैं जीना चाहती हूँ, इसी के साथ ही मैं सोचती हूँ खत्म हो जाए जिंदगी तो अच्छा है। जय गुरु जी। ओवर टू यू आरती सिंह आंटी जी। थैंक्स। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आई एम ऑडिबल अंकल? यू आर ऑडिबल आंटी। ओके, सो उषा आंटी वेरी राइटली सेड, गुरुजी को हम भी बहुत लाइटली ले गए जब वो थे, एंड अब उनकी पूरी बात अब जाके अभी तक समझ आ रही है, ये नहीं कह सकते कि अभी समझ आई भी है, शायद और समझने के लिए भी बहुत कुछ है, एंड योर सत्संग हैज डन अ लॉट ऑफ गुड टू आई थिंक एवरीबडी हु इज लिसनिंग, के गुरुजी कैसे जो उनके भक्त उनके पास जाकर उनको मतलब हेल्प करते थे, एंड इवन व्हेन दे वर नॉट अवेयर ही डिडंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, ही ओनली वांटेड टू गिव, एंड दिस इज आल्सो समथिंग यू सेड के वहमों से निकाला उन्होंने, सो लॉट ऑफ टेक अवेज, लॉट ऑफ थिंग्स वी ऑल रिवाइज्ड टुडे आफ्टर लिसनिंग टू योर सत्संग, एंड थैंक यू वेरी मच, and we would like to hear, we would have liked to hear a little more because you finished very quickly, I wish you could tell us some more, but thank you, I think you gave it to us in very in a small capsule, a very strong message, so shukrana guru maharaj, jai guru ji, thank Ashutosh, you I think Ashutosh uncle may add something, over to you. Yes, Ashutosh. नहीं मतलब मैं आई थिंक आई ऑलरेडी सेड माय टू सेंट्स इन द बिगनिंग, हम तो बच्चे थे जी, वेरी यंग एट दैट एज, बट यू नो ग्रोइंग अप एंड रियलाइजिंग स्लोली, जैसे होता ना बहुत ही हमारा ग्रॉस बॉडी और माइंड और सेंसेस वेरी ट्यून टू यू नो नॉट सीइंग द डिविनिटी फर्स्ट बट ओनली सीइंग द सुपरफिशियल थिंग्स, तो वो उससे हम निकल के इवॉल्व होते होते काफी साल लगे, बट वी कंसिडर इट अ गुड फॉर्च्यून, हमारी खुशकिस्मती है कि इस जन्म में कम से कम, वैसे तो कई जन्म भी लग सकते हैं बट कलयुग में इस जन्म में ही दर्शन हुए और प्रेजेंस ऑफ डिविनिटी मिली, उनकी ब्लेसिंग्स मिली है, बहुत ही गुड फॉर्च्यून है हमारा, बहुत ब्लेस्ड है जी, बहुत ब्लेस्ड जी, तो वो कई लोगों पे मतलब विदाउट केयरिंग फॉर देयर इकोनॉमिक स्टेटस और रिलीजन एंड ऑल, हमने देखा है कि मुस्लिम्स भी आते हैं, सिख भी आते हैं, हिंदूज भी आते हैं, ही डिड नॉट रियली बॉदर अबाउट ऑल दीज थिंग्स, वो जैसे के एग्नोस्टिक ऑफ ऑल द वर्ल्डली क्लासिफिकेशन एंड सेगमेंटेशन, एग्नोस्टिक ऑफ दैट लाइक अ ट्रू डिवाइन पर्सन, उनकी ग्रेस बरसती थी हर एक भक्त पे, पर वो यही कहते थे मंग मत मन, मतलब यू शुड बिलीव इन मी बट डोंट आस्क मी फॉर स्टफ, बिकॉज as it happens in most cases in our country ke normally divine person ke bahar wo queue lagti hai ki ji mere ladke ka mera ye bimar mera ye theek kar do meri naukri mera ye hai hai and all that, so normally wahi hota hai claim to fame, aur main ye point banana cha raha hu very strongly that I think we should not really go with the intention of asking for something, बिकॉज वो फिर डाइल्यूट हो जाता है, कोई पॉइंट नहीं है उसका, देन यू आर यू नो देन यू आर गोइंग एज अ प्लेंटिव फॉर समबडी हू इज बेगिंग फॉर अ फेवर और समथिंग, विद द ट्रू डिविनिटी दैट गुरुजी वाज, वी डिडंट हैव टू आस्क, ही न्यू एवरीथिंग, जैसे मेरी मदर ने बोला उनको पास्ट का ही लाइफ्स का, फ्यूचर का ही लाइफ्स का, उस किस्म के लेवल पे वो थे, सो ही वॉज अ सुपर कॉन्शियस सॉर्ट ऑफ एनर्जी, वो शिव जी का स्वरूप थे ये हमें पता है अब, मगर उनको अपने मापदंड से नहीं समझना है, सिर्फ बिलीव करना है, सो बिलीव आई थिंक इज द कॉर्नरस्टोन व्हिच मेक्स एंड मूव्स माउंटेंस एज दे से, सो वो बिलीफ जैसे स्ट्रांग होता जाता है गुरुजी में, मिरेकल्स अपने आप ही इंटरनलाइज
और मैनिफेस्ट होते रहते हैं आपकी लाइफ में, ये हमने देखा है और यही हम मानते हैं. सो एट द वर्स्ट यस ही इज अ मिरेकल गाय, ही इज डूइंग ग्रेट मिरेकल्स एंड गुड अनसेल्फिश सर्विस टू ह्यूमैनिटी एट इट्स वर्स्ट. बट एट इट्स फाइनेस्ट यू नो गुरुजी क्या हैं, वो शिवजी हैं, वो भगवान हैं. एंड आई वुड जस्ट लाइक टू कोट के भाई वो कहते हैं कि हर जर्रा चमकता है अनवारे इलाही से, सो एवरी पार्टिकल शाइन्स विद द ग्रेस ऑफ द डिवाइन. हर जर्रा चमकता है अनवारे इलाही से, हर सांस ये कहती है हम हैं तो गुरुजी भी हैं. या सो वी नो ही इज देयर, वी नो ही परमिएट्स एवरी सेकंड ऑफ आवर लाइफ. सो वी हैव टू बिलीव दैट एंड वी हैव टू बी कन्विंस्ड आवरसेल्फ, राइट? वी वर्क ऑन दैट बिलीव, देन थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग. बस और क्या बोलो जी, बहुत सारे ऐसे किस्से हुए, मोस्ट ऑफ देम हैव बीन नरेटेड बाय माय मदर. सो थैंक यू फॉर योर ऑडियंस, थैंक यू फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी. जय गुरु जी. जय गुरु जी. शुक्राना भजन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं. जय गुरु जी.